Good morning, student. Today we will learn subject English और standard 5th का unit number 3. Festival, the colors of human life. त्योहार, the color of human life. इंसान की life में, इंसान के जीवन में जो अलग अलग colors, रंग लाते हैं वो है फेस्टिवल, यानी कि हमारे त्यौहार है वो हमारी ज़िंदगी में अलग अलग से कलर लाते हैं. तो उसमें हम एक्टिविटी 1 उसका प्री टास्क है वो करेंगे. वी ऑल लव फेस्टिवल्स, हम सबको त्यौहार मनाना बहुत ही अच्छा लगता है. फेस्टिवल ब्रेक मोनोटोनी एंड दे एड कलर टू आवर रूटीन लाइफ. फेस्टिवल ब्रेक फेस्टिवल है वो हमारी मोनोटोनिक्स, यानी कि हमारी एक ही रास्ता होती है, एक ही वर्क करना होता है, रेगुलरली हम उठते हैं, एक ही काम करते हैं, वो काम को तोड़ता है और क्या करता है, एंड दे एड कलर टू अवर रूटीन लाइफ. हमारी रूटीन लाइफ का एक ही नियम हो गया है कि ऐसे ही रहना है, रोज़ उठना है, ये काम करना है, फिर ख़त्म करना है. वो रूटीन को चेंजेस करता है और वो फेस्टिवल है वो हमारे लाइफ में कलर, न्यू कलर्स लाता है. फेस्टिवल आर ओकेशन टू सेलिब्रेट सम नेचुरल फिनोमिनन्स. हम फेस्टिवल किस किस चीज़ों पे, कौन कौन से ओकेशन्स, यानी कि कौन कौन से अवसर पे हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें क्या है, सम नेचुरल फिनोमिनन्स, या तो कोई ऐसी नेचुरल घटना बनी हो उसे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उसे हम फेस्टिवल बोलते हैं. फिर कोई सीज़न हो, मान लो कि विंटर है, समर है, ऐसे कोई भी सीज़न हो उसे हम सेलिब्रेट करते हैं. हिस्टोरिकल, कोई हिस्टोरिकल दिन है उसे याद करने के लिए. सोशल दिन है, पॉलिटिकल दिन है, एनवायरनमेंट है, पर्सनल है, कल्चरल है, ट्रेडिशनल है और एग्रीकल्चरल. सिग्निफिकेंस, वेरियस डे ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल्स आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द ईयर. फिर चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, या तो फिर हमारे लिए कुछ खास हो, ऐसे ही लोकल हो, कोई भी डे हो, उसे हम अपने आप से हमें खुशी शेयर करने के लिए, हमारी लाइफ में कुछ न्यू कलर एंटर करने के लिए हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, उसको हम फेस्टिवल बोलते हैं, त्यौहार बोलते हैं. एक्टिविटी ए, वर्क इन पेयर्स, आपको पेयर में वर्क करना है पार्टनर्स में. लुक एट द फॉलोइंग इमेज एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन आज अंडर द पिक्चर. एग्जाम्पल, नेम ऑफ फेस्टिवल डे, डे ऑफ सेलिब्रेशन, टाइप ऑफ फेस्टिवल, प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन एंड सिग्निफिकेशन. फर्स्ट इज गिवन एज एन एग्जाम्पल, डू द रेस्ट ऑफ द आइटम. पहले क्या करना है, आपको ये इमेज दी गई है उससे आपको देखना है, उसे देखकर आपको पता लगाना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है कि ये पिक्चर कौन से डे, कौन से फेस्टिवल का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका पिक्चर है, फिर वो कौन से दिन पे आता है, क्यों हम उस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, उसके सिग्निफिकेंस यानी कि उसका इम्पोर्टेंट क्या है हमारी लाइफ में, कौन सा दिन ऐसा इम्पोर्टेंट है उसकी वजह से हम उस दिन को त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. तो पहले क्या करना है, आपको ये पिक्चर्स देख लीजिए कि ये पूरी पिक्चर्स ऐसे हैं, वो कौन से दिन पे होती है, ऐसा कौन सा दिन होता है कि हम इस पिक्चर को, ऐसी पिक्चर है वो हमारे सामने क्रिएट होती है, तो ये पिक्चर देखना है. फिर आपको दिया है नेम ऑफ फेस्टिवल, डे ऑफ सेलिब्रेशन, टाइप ऑफ फेस्टिवल और प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन एंड सिग्निफिकेशन. ये आपको एग्जाम्पल में दिए गए हैं, ये पूरा एक पिक्चर है उसका एक इंट्रोडक्शन, और क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, कहाँ पे मनाते हैं, वो सब ये एग्जाम्पल दिए हैं. फिर आपको ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स है उसको देखकर बताना है कि अब हम क्यों मनाते हैं, कौन ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है. तो एग्जाम्पल आपने पिक्चर देख ली होगी, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. नेम ऑफ द फेस्टिवल, ये पिक्चर दिखाई दी गई है उस दिन, उस त्यौहार का नाम क्या है. इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिन. डे ऑफ सेलिब्रेशन, कौन से दिन हम उसे सेलिब्रेशन करते हैं, मनाते हैं, 15 अगस्त. टाइप ऑफ फेस्टिवल, कौन से टाइप का फेस्टिवल है,
नेशनल फेस्टिवल, नेशनल लेवल का फेस्टिवल त्यौहार है। प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन, कौन कौन से प्लेस पे हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में। सिग्निफिकेंस यानी कि उसका इम्पोर्टेंस ऐसा क्या है, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, क्योंकि उस दिन इंडिया को फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए हम उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अब आपने देखा पहले वाले पिक्चर को, 15 अगस्त को ही हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, उसका इम्पोर्टेंट क्या है, तो अब आपको ये सेकेंड वाली पिक्चर देखनी है और उसका नेम ऑफ फेस्टिवल या तो नेम ऑफ डे लिखना है, डे ऑफ सेलिब्रेशन, टाइप ऑफ फेस्टिवल, प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन और सिग्निफिकेंस, ये सब आपको लिखना है। तो पहले तो आप ये पिक्चर देखिए, ये कौन से फेस्टिवल की पिक्चर है, ऐसा कौन सा फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑफ कोर्स आप सबको पता चल गया होगा कि कौन सा फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल है? जन्माष्टमी। डे ऑफ सेलिब्रेशन, कौन से दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, तो आप सबको पता है कि जन्माष्टमी का कोई स्पेशल डे नहीं होता कि इसी दिन को, इसी डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं, पर हाँ उसका मंथ है वो फिक्स होता है कि इसी मंथ में जन्माष्टमी आए, फिर डेट कोई भी हो, तो कौन सा डे होगा, या तो अगस्त होगा या फिर सितंबर, अगस्त और सितंबर के बीच में ये त्यौहार आता है। टाइप ऑफ फेस्टिवल, कौन से टाइप का फेस्टिवल है, तो ये हिंदू फेस्टिवल है। प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन, कौन से प्लेस पे सेलिब्रेट होता है, तो एवरीवेयर इन इंडिया, इंडिया में हर एक जगह पे ये सेलिब्रेट होता है। सिग्निफिकेंस, उसका इतना तो क्या इम्पोर्टेंट है कि हम जन्माष्टमी है वो सेलिब्रेट करते हैं, तो लॉर्ड कृष्णा इज देवकी एंड वसुदेवा सन एंड हिज बर्थडे is celebrated by Hindus. क्या Lord Krishna is Devaki and Vasudeva's son and his birthday is celebrated by Hindus. लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन, इसीलिए उस दिन को हम सब सेलिब्रेट करते हैं, कौन से दिन के रूप में, जन्माष्टमी के रूप में। अब ये सेकेंड पिक्चर, ये पिक्चर आपको कौन से फेस्टिवल की दिखाई दे रही है, ऑफ कोर्स सबको पता ही होगा क्योंकि ये तो मोस्ट ऑफ सबका फेवरेट त्यौहार होता है, उसका नाम है होली। डे ऑफ सेलिब्रेशन, कौन से दिन आप उसे सेलिब्रेशन कर सकते हो, तो उनकी भी कोई डेट फिक्स नहीं होती पर मंथ फिक्स है, मार्च में। टाइप ऑफ फेस्टिवल, कौन से टाइप का ये फेस्टिवल है, कल्चरल टाइप का, उसमें सब अपने अपने जाति धर्म रिलीजियन सब कुछ भूल कर सिर्फ और सिर्फ इसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये कल्चरल टाइप का हो गया। प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन, तो ये भी ऑल इन इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप इसको सेलिब्रेट करता हुआ देख सकते हो। इसका सिग्निफिकेशन क्या है, तो होली का सिग्निफिकेशन है द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल एंड अस अ डे एट स्प्रेड हैप्पीनेस। क्या करता है वो, बुराई का नाश करके अच्छाई को जिताता है, जीतना है, और फिर एविल
देव स्प्रेड हैप्पीनेस और सबको खुशियाँ बांटता है। आप सबको पता है होली के दिन सब लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो वो भूल जाते हैं और दोस्ती कर लेते हैं और फिर कलर से खेलते हैं और एकदम से खुश खुश हो जाते हैं। तो क्या होता है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है और सब जगह पे हैप्पीनेस यानी कि खुशी है वो स्प्रेड होती है। अब थर्ड इमेज है वो कौन से फेस्टिवल की है वो पहले आपको देखना है। थर्ड इमेज है नेम ऑफ फेस्टिवल डे, कौन सी फेस्टिवल है वो, ईद। डे ऑफ सेलिब्रेशन, कौन से दिन हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसका कुछ पता नहीं होता है। जब भी उन लोगों के ईद सेलिब्रेशन में जब भी उनका कोई एक समाज होता है या तो फिर एक पूरी कमिटी होती है वो जब चांद को देखती है और चांद को देखकर उन लोगों के अलग सा एक कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर के मुताबिक वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से मंथ में हमें ये ईद सेलिब्रेट करनी है। तो एज यूजली ईद एट फिटर डिक्लेयर्ड डे। जो वो लोग के फिटर्स होते हैं वो लोग डिक्लेयर करते हैं उन दिन पे। टाइप ऑफ फेस्टिवल, कौन सा टाइप है, कौन सा फेस्टिवल है तो मुस्लिम्स। प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन, कहाँ पे वो सेलिब्रेट करते हैं, मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद में। सिग्निफिकेशन, मार्क द एंड ऑफ End of fasting in significant यानी कि mark the end of fasting in Ramadan। उनका जो रमज़ान का जो मंथ आता है उसका जो एंड हो गया है और वो सिग्निफिकेशन दिखाता है और उसके साथ साथ एक दूसरे के साथ भाईचारा और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने का और सब लड़ाई झगड़ा भूल जाने का वो उनकी ईद का एक सिग्निफिकेशन होता है। फिर ये है दशहरा, फोर्थ। फिर फोर्थ है दशहरा, नेम ऑफ फेस्टिवल डे यानी कि दशहरा, डे ऑफ सेलिब्रेशन, एंड ऑफ द नवरात्रि। जब भी नवरात्रि ख़त्म होती है उसके दसवें दिन दशहरा को हम सेलिब्रेट करते हैं। टाइप ऑफ फेस्टिवल, कौन से टाइप का फेस्टिवल है, हिंदुज़म। प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन, कौन से प्लेस पे हम सेलिब्रेशन करते हैं, एवरी स्टेट इन इंडिया, इंडिया के सभी स्टेट में यह सेलिब्रेट होता है। सिग्निफिकेशन, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल्स, अच्छाई के ऊपर बुराई, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत यही डिक्लेयर करता है क्योंकि सबको पता है कि दशहरे के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया था। उसके अलावा आपको पता ही है कि श्री राम जी ने रावण का अंत किया था, उसकी डेट हुई थी उस दिन, इसलिए रावण भी एक बुराई था और महिषासुर भी एक बुराई थी। तो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत ये डिक्लेयर करता है दशहरा। तो ये पिक्चर है उसका, वो फेस्टिवल है, नेम ऑफ द फेस्टिवल बैसाखी। डे ऑफ सेलिब्रेशन कब होता है, 13 और 14 अप्रैल को, या तो 13 अप्रैल को होता है या तो 14 अप्रैल को। टाइप ऑफ फेस्टिवल, कौन से टाइप का फेस्टिवल है तो सिख न्यू ईयर। सिख लोग होते हैं उनका न्यू ईयर है इसलिए ये सिख कास्ट के जो लोग होते हैं वही उसको सेलिब्रेट करते हैं। प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन, नॉर्थ इंडिया में मोस्ट ऑफली नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं वो उसे सेलिब्रेट करते हैं। सिग्निफिकेशन, सिख न्यू ईयर सेलिब्रेटेड इन द 1699। ये है सिख का न्यू ईयर है और वो कब से स्टार्ट हुआ है, 1699 से वो लोग सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ है। फिर है ये पिक्चर है वो दुर्गा पूजा की है, उसको दूसरे नाम से दुर्गोत्सव के नाम से जानते हैं। तो नेम ऑफ फेस्टिवल डे,
दुर्गोत्सव डे ऑफ सेलिब्रेशन अक्टूबर्स में होता है। टाइप ऑफ फेस्टिवल, कौन सा टाइप का फेस्टिवल है? हिंदूज का। प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन, वेस्ट बंगाल में ये सेलिब्रेट होता है। सिग्निफिकेशन, माँ दुर्गा विक्ट्री ऑफ द डेमोन किंग महिषासुर। मैंने पहले ही बोला था कि माँ दुर्गा ने विजय, माँ दुर्गा है वो विजय हुई थी इसके ऊपर, महिषासुर को मारने के क्रम में विजय हुई थी, इसलिए उस दिन को दुर्गोत्सव या तो दुर्गा पूजा के नाम से भी जानते हैं। ये था, हमने ए में देखा। अब है बी, वर्किंग ग्रुप्स एंड फाइंड आउट सुटेबल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिंग बेस्ड ऑन द ओकेशन। रिस्पॉन्स इन द ब्लैंक गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू। आपको एग्जाम्पल दिया ही है, कोई ओकेशन है उसके सामने आप कैसे एक्सप्रेशन देंगे वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट है, अगर किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है तो उसके सामने आप कैसे एक्सप्रेशन देंगे? मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, या तो फिर आप बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। फिर सेकेंड है वेडिंग सेलिब्रेशन या तो मैरिज एनिवर्सरी, या तो किसी की वेडिंग सेलिब्रेशन है या तो मैरिज एनिवर्सरी, तो उसको आप क्या बोलेंगे? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। या तो फिर आप बोल सकते हैं उसको कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर मैरिड लाइफ। फिर है थर्ड है गुड रिजल्ट इन एग्जाम, किसी का अच्छा रिजल्ट आता है तो उससे आप क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर प्रमोशन इन जॉब, अगर आपकी जॉब में आपका प्रमोशन मिलता है तो कोई क्या बोलता है ब्लेसिंग में, अच्छा सा एक्सप्रेशन में, गुड लक इन योर न्यू पोजिशन। आपको जो अच्छी से न्यू पोजिशन मिली है उसके लिए आपको गुड लक। रिलेटिव इज सिक, आपका कोई रिलेटिव है वो बीमार पड़ता है तो एवरीथिंग विल बी ओके, तो आप ऐसा एक्सप्रेशन करेंगे, या तो फिर आप उसको कहेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मदर्स डे है तो मदर इज द हार्ट बीट इन द होम। सबको पता ही है कि मदर है वो घर की हार्ट बीट होती है, अगर वो नहीं होती है तो घर में कैसा माहौल होता है वो सबको पता है। आप सब ने देखी एक्टिविटी वन, उसमें आपने देखा कि कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं और उसका नाम क्या होता है, फिर वो फेस्टिवल हम किस लिए सेलिब्रेट करते हैं और उसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है, वो कौन से मंथ में आता है या तो कौन से डेट पे आता है, वो सब आपने देखा। अब एक्टिविटी टू है, उसमें ए द प्रेजेंट जनरेशन, हाल की जनरेशन में स्पेशल द यंग मेक मोर यूज ऑफ सेल फोन्स एंड कंप्यूटर। अभी आज की जनरेशन में आप सबको पता ही है कि जो यंग है, बच्चे है या तो फिर कोई भी है, वो ज़्यादातर फोन और कंप्यूटर्स का ही यूज़ करते हैं। देयरफॉर राइटिंग लेटर टू फ्रेंड एंड रिलेटिव इज रेडिली फॉरगॉटन। वो लोग क्या भूल गए हैं कि या तो फिर अपने फ्रेंड्स हो, या तो फिर अपने रिलेटिव हो, या तो फिर कोई बड़े हो जो हमसे दूर है, उनको लेटर्स लिखना वो सब कुछ भूल गए हैं, क्योंकि अभी फ़ोन और कंप्यूटर का ज़माना है तो फट से मैसेज करते हैं, या तो फट से ईमेल करते हैं, या तो कॉल करते हैं, तो तुरंत बात हो जाती है। हियर टू पेन फ्रेंड्स, यहाँ पे दो फ्रेंड्स की बात हुई है। भरत एंड जमशेद एक्सचेंज लेटर डिस्क्राइबिंग हाउ दे सेलिब्रेटेड देयर न्यू ईयर डे। यहाँ पे दो फ्रेंड्स थे, कौन है? भरत है और एक जमशेद है। वो दोनों अपना लेटर एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि एक दूसरे को लेटर भेजते हैं, और दोनों ही बताते हैं कि कैसे उन दोनों ने अपने न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किया है। रीड एंड एंजॉय द फॉलोइंग पर्सनल लेटर। तो अब आपको ये पूरा पर्सनल भरत और जमशेद का लेटर है वो पढ़ना है और उसको इंजॉय करना है। आप सबको पता ही है कि अभी हमारे यहाँ पे कोई लेटर लिखना भी जानता नहीं है, सब भूल गए। हमारे पास जो सेल फोन है या तो फिर खुद का लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उससे हम तुरंत ही वीडियो कॉल करते हैं, या तो फिर कॉल लगाते हैं, या मैसेजेस या ईमेल से डायरेक्ट बात करते थे। पर पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, पहले के ज़माने में न तो मोबाइल था और ना ही कंप्यूटर था, तो पहले लोग क्या करते थे? लेटर भेजते थे, फिर यहाँ से वो लेटर पास होता था, 10-15 दिन में सामने वाले को लेटर पहुँचता था, फिर वो लेटर रीड करता था, फिर उसको उसे दोबारा से जो आंसर देना है वो लेटर लिखता था, फिर वो लेटर वहाँ से पोस्ट करता था, और यहाँ पे पहुँचने में 10-15 दिन। तो ऐसे ही 20-25 दिन के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर जानना होता है तो वो मिलता था। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर
लेटर टू इंजॉय, हमारा लेटर है उसमें भरत है और जमशेद है नाम के दो फ्रेंड्स है, वो एक दूसरे को अपना अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट हुआ वो लिखते हैं। फेस्टिवल हैप्पी टाइम टुगेदर, फेस्टिवल एक ऐसा टाइम है कि जिसमें हम सब लोग साथ में मिलकर खुश हो सकते हैं। 16 पारसी कॉलोनी अलकापुरी रोड बड़ोड़ा, ये उसका एड्रेस है 16 पारसी कॉलोनी अलकापुरी रोड बड़ोड़ा। कौन से दिन से लिखा था? 15 नवंबर 2007 में उसने ये लेटर लिखा था। ये लेटर लिखता है जमशेद किसको? डियर भरत, अपने फ्रेंड को भरत को। I have not heard from you for a long time. मैंने बहुत ही टाइम से तुझे सुना नहीं है। I hope you are fine. पर मुझे लगता है कि तुम अच्छे होगे। 2 months back, you had asked me how we celebrated our new year. 2 months के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे मैंने मेरा पारसी का न्यू ईयर है वो सेलिब्रेट किया था, क्योंकि वो पारसी है तो इसलिए उसने बोला कि मैंने कैसे अपना न्यू ईयर है वो सेलिब्रेट किया था। बट आई वॉज बिजी विथ माई फर्स्ट टेस्ट एंड ऑल्सो विथ नवरोज और पतेती अवर पारसी न्यू ईयर सेलिब्रेशन। क्यों मैं तुम्हें 2 महीने के बाद ये न्यू ईयर मैंने कैसे सेलिब्रेट किया है उसका लेटर लिख रहा हूँ? क्योंकि बट आई वॉज बिजी विथ माई फर्स्ट टेस्ट एंड, तो वो कहाँ पे बिजी था? उसकी फर्स्ट टेस्ट थी, कॉलेज में या स्कूल में होगा तो वहाँ पे उनकी कोई टेस्ट चल रही होगी, इसलिए वो उसमें बिजी था। इसलिए 2 महीने के बाद अपने फ्रेंड को किस लिए वो लेटर लिखता है? ऑल्सो विथ नवरोज और पतेती, पतेती हो या फिर नवरोज हो दोनों को एक ही त्यौहार बोलते हैं, और पारसी न्यू ईयर सेलिब्रेशन, पारसी का न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो तो उसे आप नवरोज भी बोल सकते हो या तो फिर पतेती भी बोल सकते हो। वी पारसी आर अ स्मॉल कम्युनिटी, हम सब पारसियों की बहुत ही बड़ी समुदाय यानी कि बहुत ही बड़ी या तो बहुत ही बड़ा कल्चरल या तो बहुत बड़ी कॉलोनी नहीं है, हम पारसियों की कम्युनिटी बहुत ही छोटी सी, हम बहुत ही कम लोग हैं पूरे इंडिया में। वी केम फ्रॉम ईरान, हम कहाँ से आए हैं? ईरान से आए हैं। एंड सेटल्ड इन गुजरात, और हम गुजरात में सेटल हो गए हैं। वी वर्शिप फायर एंड अवर टेम्पल इज कॉल्ड अग्यारी, हम अपने न्यू ईयर के दिन पे क्या करते हैं? वर्शिप एंड अवर टेम्पल इज कॉल्ड अग्यारी, वो लोग क्या करते हैं कि ऐसा एक प्लेस होता है उसमें जाके वो चंदन की और सब लकड़ियाँ डालते हैं और फिर उसमें आग लगाते हैं, इसलिए वो उनको अग्यारी भी बोलते हैं। आई एग्जाम्पल फायर टेम्पल, या तो फिर हमारे टेम्पल को हम फायर टेम्पल के नाम से भी बुलाते हैं। वी ऑफर सैंडलवुड स्टिक टू द स्कैड फायर एंड रिटायर प्रेयर्स, क्या करते हैं कि हम लोग सैंडल यानी कि चंदन की लकड़ियाँ होती है स्टिक, उसको हम साथ में रख के फायर करते हैं, उसमें आग लगाते हैं और रिटायर प्रेयर्स, और फिर हम हमारे गॉड से प्रार्थना करते हैं। मेन एंड चिल्ड्रन कवर देयर हेड्स विद स्मॉल कैप, तो क्या होता है मेन और चिल्ड्रन, आदमी लोग और बच्चे, वो अपना हेड यानी कि अपना सर है वो छोटी सी कैप पहन के कवर कर लेते हैं। पिक्चर में देखा ही है आपने, ये देखो ये सब ने कैप पहनी है ऐसे सर पे। एंड वुमन कवर देयर हेड्स विद साड़ी, और वुमन्स होती है वो अपने हेड को साड़ी से कवर कर लेती है। वी ऑल ग्रीट एंड विश साल मुबारक टू ईच अदर, और फिर हम क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं और एक दूसरे को हमारे न्यू ईयर की शुभकामनाएं देते हैं। ऑन पतेती एवरी वन वॉक्स अप अर्ली, पतेती के दिन या तो नवरोज के दिन सब लोग हैं वो जल्दी सुबह उठ जाते हैं। गेट्स रेडी एंड वियर न्यू क्लॉथ, और तुरंत ही तैयार हो जाते हैं और न्यू क्लॉथ कपड़े पहनते हैं। वी डेकोरेट अवर हाउस, हम हमारे घर को डेकोरेट करते हैं। एंड स्टेप एट द एंट्रेंस विथ चॉक एंड कलर्ड पाउडर इन डिफरेंट शेप, हम अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं कैसे? तो कि हम लोग जब एंट्रेंस यानी कि हमारा डोर होता है वहाँ पे चॉक और कलर पाउडर, जो कलरफुल पाउडर, कलर अलग अलग कलर के, वाइट ग्रीन येलो, ऐसे ऐसे
इसमें से हम डिफरेंट डिफरेंट शेप लेते हैं, जस्ट लाइक रंगोली एंड विथ फ्लावर्स एंड गार्लैंड। उन सब फ्लावर्स कलर्स को हम जैसे ही आप लोग रंगोली का शेप देते हैं, वैसे ही हम कुछ अलग अलग से शेप देते हैं। उसमें वो अलग अलग कलर्स है जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसको हम उसमें डालते हैं और फिर फ्लावर्स डाल के उसको एक अच्छी तरह से हमारा एंट्रेंस डोर होता है उसको हम डेकोरेट करते हैं ऑन दिस डे। उसके अलावा इस डे को स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर, स्पेशल डिशेज यानी कि अच्छा अच्छा खाना होता है वो भी हम प्रिपेयर करते हैं। पारसी फूड इज़ वेरी डिलीशियस, पारसी लोगों का जो फूड होता है वो एकदम डिलीशियस यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट चटपटा होता है। वी प्रिपेयर रवा फ्रॉम सूजी मिल्क एंड शुगर एंड डेकोरेट अ वेरिएंट ऑफ डिशेज विथ फ्राइड आलमंड एंड राइस। क्या करते हैं कि हम लोग रवा प्रिपेयर करते हैं किससे, सूजी से, मिल्क और शुगर डाल के, और फिर उसको डेकोरेट किससे करते हैं उस डिश को, फ्राइड आलमंड, आलमंड होते हैं उसे फ्राई करते हैं और उसके ऊपर रेशन्स यानी कि जो हम क्या बोलते हैं उसको, और हम ड्राई फ्रूट से उसको डेकोरेट करते हैं। वी विजिट इच अदर्स हाउस एंड गिव गिफ्ट एंड फूड टू पुअर पारसी फैमिली। फिर हम क्या करते हैं, हमारी प्रिपेयर जो रसोई है, रवा है, उसे हम हमारी डिलीशियस डिश है उसे हम तैयार करते हैं और फिर एक दूसरे के जो घर पे जाते हैं एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, और जो पुअर पारसी फैमिली यानी कि जो लोग गरीब होते हैं उनको हम खाना और गिफ्ट देते हैं, और बाकी सब के घर पे जाके हमारे नवरोज और पते देखी एक दूसरे को विशेष देते हैं। फ्रॉम एन अर्ली एज वी चिल्ड्रन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग विथ अदर्स। और फिर हमारे जैसी एज में, छोटी सी एज के जो बच्चे होते हैं उनको हम ये इम्पोर्टेंस सिखाते हैं कि क्यों हमें एक दूसरे के साथ ये चीज़ शेयरिंग करनी चाहिए, क्यों एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए, क्यों एक दूसरे को खाना देना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस है वो बच्चों को समझाते हैं। मेन एंड वुमेन मिक्स फ्रीली विथ ईच अदर। और उस दिन मेन और वुमेन सब लोग साथ में बैठते हैं फ्रीली और इंजॉय करते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। आई एम इंटरेस्टेड टू नो हाउ यू सेलिब्रेटेड योर फेस्टिवल इन आसाम। पर ये सब तो हो गया कि मेरे पारसी न्यू ईयर था या तो नवरोज था या तो पतेती था, उसके बारे में हम कैसे सेलिब्रेट करते हो, पर मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है कि तुम लोग अपना त्यौहार आसाम में कैसे सेलिब्रेट करते हो, वो जानने में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई होप यू विल रिप्लाई सून। तो वो आप तुमने कैसे सेलिब्रेट किया अपना न्यू ईयर या तो अपने आसाम में जो भी त्यौहार होता है वो जानने में मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि तुम उस लेटर का जल्दी से रिप्लाई दोगे। विथ लव जमशेद, विथ लव जमशेद। तो कुछ कीवर्ड्स है वो हम देख लेते हैं। पेन फ्रेंड्स, पर्सन विथ हुम वन बिल्ड अ फ्रेंडशिप बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स। ऐसा इंसान जो आपको बार बार आपकी कोई भी छोटी या बड़ी बात हो उसे आप लेटर में लिख के भेजते हो, और वो अपनी कोई भी छोटी या बड़ी खुशी है वो आपको लेटर में लिख के भेजता है, तो उसे आप पेन फ्रेंड्स बोलते हो। स्कैड यानी कि होली, डर जाना। अब आप सबने देखा ही कि जमशेद ने कैसे अपने फ्रेंड्स भरत को बताया कि वो कैसे अपना नवरोज, पतेती और न्यू ईयर है पारसी का वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या करते हैं वो सब कुछ। अब उसको क्या इच्छा थी कि उसका फ्रेंड है भरत, वो आसाम में अपना त्यौहार कैसे सेलिब्रेट करता है वो उसे पूरा लिख के भेजे। तो थोड़े दिन के बाद जब भरत है वो जमशेद को लेटर लिखता है अपने आसाम में हो रहे सारे त्यौहार सेलिब्रेशन के बारे में। तो 16 विश्वास सोसाइटी गुवाहाटी आसाम, ये इसका एड्रेस है। 10th दिसंबर 2007 को, वो 15 नवंबर 2007 को लिखा था। तो उतने दिन के बाद भरत ये लेटर, उस भरत को ये लेटर मिला, फिर उसने रीड किया और फिर वो 10th दिसंबर 2007 को अपने फ्रेंड जमशेद को भेज रहा है। Thank you for your letter. I was also busy with my school desk.
उसने भी क्या बोला कि थैंक यू कि तुमने मुझे ये लेटर लिखा और कैसे तुम लोग अपना त्यौहार सेलिब्रेट करते हो वो मुझे बताया। आई वॉज ऑल्सो बिजी विथ माई स्कूल टेस्ट, पर मैं भी अपने स्कूल टेस्ट में थोड़ा बिजी था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू रीड अबाउट योर नवरोज सेलिब्रेशन, मैं बहुत ही खुश हुआ तुम्हारा ये नवरोज सेलिब्रेशन के बारे में पढ़ के। यू नो आसाम इज अ स्मॉल स्टेट इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, तुम जानते हो कि आसाम है वो ईस्ट इंडिया में सबसे छोटा सा स्टेट है। अवर बिगेस्ट फेस्टिवल इज बिहू, और हमारे यहाँ आसाम में सबसे बड़ा त्यौहार है वो है बिहू का त्यौहार। देर आर थ्री बिहूस, तो यहाँ पे भी तीन टाइप के बिहूस के त्यौहार होते हैं, उसमें है एक बोहाग बिहू, माघ बिहू एंड थर्ड है, फर्स्ट है बोहाग बिहू माघ बिहू एंड थर्ड है बोहाग बिहू माघ बिहू एंड थर्ड है कटी बिहू, कनेक्टेड विथ स्प्रिंग विंटर एंड ऑटोनम सीजन रिस्पेक्टली। ये तीनों त्यौहार है वो तीनों बिहू टाइप है, वो तीनों अलग अलग सीजन से कनेक्टेड है। माघ बिहू है वो स्प्रिंग में आता है, बोहाग बिहू है वो स्प्रिंग में आता है, माघ बिहू है वो विंटर में आता है, एंड ऑटोनम यानी कि जो पतझड़ है वो सब पेड़ पर से जब पत्ते गिरते हैं और हम यहाँ पे बोलते हैं कि अब ये पानखल ऋतु है उसको ऑटोनम बोलते हैं, वो सीजन आता है तब हम कति बिहू का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। बट बोहाग बिहू इज अवर मेजर फेस्टिवल, पर तीनों फेस्टिवल में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा बोहाग बिहू। इट इज़ अ स्प्रिंग, वो स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु में आता है। न्यू ईयर एंड एग्रीकल्चरल फेस्टिवल, वो हमारा न्यू ईयर भी कहा जाता है और एग्रीकल्चरल फेस्टिवल भी कहा जाता है, ऑल इन वन दोनों एक ही है। अगर आप न्यू ईयर बोलोगे हमारा आसाम का न्यू ईयर तभी वो बोहाग बिहू होगा, और या तो हमारा एग्रीकल्चर फेस्टिवल बोलोगे तभी बोहाग बिहू होगा, दोनों एक ही है। आसाम बिकम रिच एंड लस इन स्प्रिंग, आसाम थे वो कब एकदम ब्यूटीफुल सा लच यानी कि रिच यानी कि एकदम ब्यूटीफुल एकदम अच्छा दिखता है स्प्रिंग में, बसंत ऋतु में। ट्रीज एंड फ्लावर्स ब्लॉम एंड देयर फ्रेग्रेंस एंड बर्ड्स, क्या होता है उस दिन ना उस टाइम पे ट्रीज और फ्लावर्स से वो एकदम खिले खिले से होते हैं और उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आती है, एंड बर्ड्स सॉन्ग फील द एयर, और जो बर्ड्स है वो हवा में सॉन्ग गाते हैं। पीपल ऑल्सो सिंग, और पीपल भी साथ में सॉन्ग गाते हैं क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ स्प्रिंग के टाइम पे एकदम हरा भरा सा होता है, रिच होता है पूरा आसाम, इसलिए सब लोग खुश होते हैं। पीपल ऑल्सो सिंग डांस प्ले गेम्स एंड एंजॉय देमसेल्व्स, पीपल भी गाना गाते हैं डांस करते हैं खेलते हैं गेम्स और सब अपनी अपनी तरह से इंजॉय करते हैं। दैट इज़ वाई द बोहाग बिहू इज ऑल्सो कॉल्ड रंगोली बिहू, और इतना ही नहीं बोहाग बिहू को दूसरे नाम से हम रंगोली बिहू भी जानते हैं, बिहू ऑफ मेरीमेंटेड। मेरीमेंटेड यानी कि ऐसा बिहू जहाँ पे आप लोग कलरफुल बिहू, रंगोली बिहू और बिहू ऑफ मेरीमेंटेड कलरफुल बिहू। बोहाग इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द आसामीज कैलेंडर एंड द एडवेंट ऑफ गॉड, क्या होता है कि बोहाग है वो फर्स्ट मंथ है कहाँ पे आसाम के कैलेंडर में, और वे हमारे भगवान को गॉड को भी करता है। वी सीक ब्लेसिंग फ्रॉम द एल्डर्स, उस टाइम पे हम सब लोग ब्लेसिंग अब हमारे बड़ों से ब्लेसिंग्स लेते हैं। वी ऑल्सो गिव गिफ्ट टू ईच अदर, और वो लोग हमें गिफ्ट भी देते हैं। पीपल्स प्ले गेम्स लाइक कांची जूज, पीपल से वो प्ले गेम करते हैं उसमें से देखते हैं फर्स्ट है कांची जूज। कांची जूज यानी कि एग फाइटिंग, एग से एक दूसरे को मारना, वो फाइटिंग को कांची जूज बोलते हैं। तो बॉल गेम, एक दूसरे के साथ बॉल से खेलना, एंड थर्ड है हाउ अ फॉर्म ऑफ कबड्डी, जैसे हमारे वहाँ पे कबड्डी खेलते हैं वैसे वहाँ पे आसाम में हाउ बोलते हैं। बिहू सॉन्ग एंड डांस आर स्पेशल एज बिहू फूड, जैसे बिहू सॉन्ग स्पेशल है बिहू डांस स्पेशल है वैसे ही बिहू फूड भी स्पेशल है। लाइक चीड़ा फ्लैट एंड राइस यानी कि चपटा हुआ राइस, राइस होता है उसके दो तीन टुकड़े कर देते हैं वो लोग मशीन में, फिर उसमें से कोई रेसिपी बनाते हैं उसको चीड़ा बोलते हैं। फिर पीठा राइस केक,
जो चावल से केक बनाते हैं उसको पिठा बोलते हैं, और राइस से जो फल्टर चपटा चपटा राइस बनाते हैं उसको चीरा, एंड लाड़ू स्वीट बॉल्स, जैसे कि हमारे वहाँ पे लाड़ू बनते हैं वैसे वहाँ पे जो छोटे छोटे मिठाई या स्वीट बॉल बनते हैं उसे लाड़ू। वी वर्शिप तुलसी ऑन दिस डे, और हम सब लोग इस दिन तुलसी का भी अच्छे से क्या करें। वी ऑल्सो इन्जॉय दिस स्पेशल फेस्टिवल एज यू इन्जॉय नवरोज, ये त्यौहार हम ऐसे ही इन्जॉय करते हैं जैसे कि तुम अपना नवरोज का स्पेशल त्यौहार है वो सेलिब्रेट करते हो। डू कम टू गुवाहाटी नेक्स्ट ईयर एंड सेलिब्रेट बिहू विथ अस, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम नेक्स्ट ईयर को अगले साल को गुवाहाटी में आओ और हमारे साथ बिहू का त्यौहार सेलिब्रेट करो। प्लीज़ गिव माई प्रणाम टू योर पेरेंट्स, और मेरा प्रणाम है वो अपने पेरेंट्स को कहना। योर लविंग फ्रेंड भरत, तुम्हारा प्यारा फ्रेंड भरत। किंग, कीवर्ड से देखते हैं लश, थिक एंड स्ट्रांग, लश यानी कि एकदम पतला सा पर बहुत ही मजबूत। ब्लूम्स यानी कि फ्लावरिंग, जब कोई भी ट्रीज होता है उसके ऊपर आपने देखा ही होगा मैंगो का ट्रीज होता है तो उसके ऊपर पहले तो ब्लूम्स यानी कि छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं और फिर उसमें से फ्रूट्स होते हैं वो आना शुरू होता है। एडवेंट यानी कि अराइवल, पहुंचने वाला ही है, अभी ही आने वाला है वैसा। तो आपने ये पूरी लेसन पढ़ी फेस्टिवल ऑफ द कलर्स, उसमें आपने देखा कि कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं और उसके क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो कौन से दिन आता है, कौन से मंथ में आता है, कौन कौन उसे सेलिब्रेट करता है और कब सेलिब्रेट करता है। फिर आपने फेस्टिवल के ऊपर दो पेन फ्रेंड्स है, दो फ्रेंड्स है भरत और जमशेद, दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने कल्चरल्स के त्यौहार है वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं और उसमें वो लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में लेटर लिखा था, वो लेटर भी आपने पढ़ा और सुना और समझा। तो अब आपको बारी आती है थोड़ा सा होमवर्क देने की, तो आप पहले वो होमवर्क देख ले, और आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन एंड यू विल इंजॉय दिस लेक्चर। होमवर्क में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने ये आगे ही दोनों लेक्चर्स दोनों ही एक्टिविटीज़ देखी है, उसमें आपको एक्टिविटी 8 में इन द पोएम देर आर सर्टेन वर्ड विच राइमिंग्स विथ अदर, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, मैं आपको पोएम दिखाऊंगी उसमें से आपको क्या करना है, राइमिंग पेयर सर्च करनी है, राइमिंग पेयर्स के बारे में आप सबको पता ही है। लास्ट तो पास्ट, तो अब ये आगे का लिखना है और रिंगिंग के आगे कौन सा राइमिंग पेयर्स होगा, नाइट्स के आगे कौन सा राइमिंग पेयर्स होगा, और चीयर के आगे कौन सा राइमिंग पेयर्स होगा, फार के पीछे कौन सा राइमिंग पेयर होगा, पास्ट के आगे कौन सा होगा, और वेट के पीछे कौन सा राइमिंग पेयर्स होगा, वो आपको पोएम में से देख देख के लिखना है। तो मैं आपको पोएम डिस्प्ले करती हूँ, फिर आपको ये राइमिंग पेयर सर्च करनी है पोएम में से, और फिर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो ये है एक्टिविटी 7, उसमें रीड द फॉलोइंग पोएम एंड एंजॉय इट्स सिंप्लिसिटी, आपको क्या करना है, ये पोएम को रीड करना है और फिर इसको एंजॉय करना है। तो पोएम का नाम है क्रिसमस कॉम्स, क्रिसमस कॉम्स कब क्रिसमस आती है। तो पोएम है क्रिसमस कॉम्स विद चिल्ड्रन सिंगिंग, क्रिसमस कब आती है जब चिल्ड्रन है वो सिंगिंग करते हैं। क्रिसमस कॉम्स विद स्लाइस बेल रिंगिंग, जब छोटा सा बेल होता है वो रिंगिंग करता है। क्रिसमस कॉम्स विद फ्रॉस्टी नाइट्स, क्रिसमस कब आता है जब स्काई में सारे स्टार्स है वो चमकते रहते हैं और नाइट एकदम फ्रॉस्टी फ्रॉस्टी दिखती है। क्रिसमस कॉम्स विद स्नोबॉल फाइट्स, जब स्नोबॉल है वो एक दूसरे से फाइटिंग करते हैं तब क्रिसमस आता है। क्रिसमस कॉम्स विद सेंटा क्लॉस, जब सेंटा है वो ऐसे सॉन्ग गुनगुनाता है तब वो आती है। क्रिसमस कॉम्स विद स्नोई फ्लोर्स, जब स्नोई फ्लोर्स होता है तब क्रिसमस आती है। क्रिसमस कॉम्स विद रॉबिन एंड रेंडी, क्रिसमस कॉम्स विथ रॉबिन एंड रेंडियर, आपको पता ही है रॉबिन एंड रेंडियर है वो क्रिसमस के जो सांता होते हैं उनके फेवरेट होते हैं, तो वो जब आते हैं तब क्रिसमस आते हैं। क्रिसमस कॉम्स विथ हार्टली चीयर, जब हम लोग हार्ट से एकदम खुश खुश होते हैं चीयर सब करते हैं तब क्रिसमस आती है। क्रिसमस कॉम्स विथ गोल्ड, क्रिसमस कॉम्स विद गोल्ड फ्रैंकिनेंस एंड माइरस, क्रिसमस कॉम्स विद चेरस बर्थ, क्रिसमस कॉम्स विद एंजल फ्रॉम अ फार, क्रिसमस कॉम्स विद अ वंडरस स्टार। तो आपको पूरी ये पोएम देखनी है और उसमें से आपको राइमिंग पेयर्स है वो भी सर्च करने हैं। क्रिसमस
comes now at last. Christmas comes like in the past. Christmas comes after such a long wait. Christmas comes and it will be grand. तो आपको पता ही होगा, देखो कि जैसे लास्ट है तो उसका डाइनिंग पेड से पास्ट, अब वेट है तो उसका ग्रेट. वैसे आपको ये पोएम देखनी है, फिर आपको नीचे की एक्टिविटी 8 है उसमें राइमिंग पेयर्स है, वो आपको सर्च करके लिखने हैं राइमिंग पेयर्स. तो यही आपका होमवर्क है, पोएम को देखिए अच्छे से, उसमें से राइमिंग पेयर सर्च कीजिए. और लास्ट का पास है तो आपको ये देखना है कि रिंगिंग का क्या होगा, नाइट का क्या होगा, चीयर का क्या होगा, फायर का क्या होगा, पास्ट का और वेट का. तो यही होमवर्क में लिखना है. आई होप यू ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस लेक्चर एंड आई होप कि वी विल ट्राई टू बेस्ट यू अंडरस्टैंड. तो आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू स्टूडेंट.